सब्सक्राइब कीजिए आईटी इन बॉक्स चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं आईटी इन बॉक्स। सर मैं हूं आपका दोस्त नासिर। आज मैं आपके लिए ले गया हूं जी इन्फिनिक्स का मोबाइल जी स्मार्ट 2। इससे पहले था स्मार्ट 1 जो कि बहुत ही ज़बरदस्त चलता था, अभी आ गया स्मार्ट 2 ज़बरदस्त। सिर्फ 15,700 रुपये में आपको बाज़ार से मिल जाएगा, सिर्फ 15,700 रुपये में। और बहुत ही ज़बरदस्त लुक है इसकी और बहुत ही अच्छा मोबाइल बनाया है इन्फिनिक्स वालों ने। अच्छा जी, आज की वीडियो का टारगेट है 100 लाइक। जी 100 लाइक आप दे देंगे तो क्या ही बात है, ठीक है जी। तो उसके अलावा जी इसको ओपन कर लेते हैं। भाई साहब है मेरे साथ ओप्पो वाले, ठीक है जी। तो ये हो गया ओप्पो, सॉरी इन्फिनिक्स ऑन, यानी कि ओपन हो गया है। और इसके बाद हम इसको चेक करवा देते हैं। ये देखें इसकी फ़र्स्ट लुक है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग बनाया है इन्होंने मोबाइल, बहुत ही अच्छी लुक है इसकी। फुल डिस्प्ले है, जैसे कि आजकल चल रहे हैं सारे मोबाइल फुल डिस्प्ले में। उसके अलावा जी इसके साथ एक्सेसरी में आ जाता है जी, ये है इसका अडाप्टर और ये रही इसकी जेचा केबल और ये रही इसकी हैंड फ्री। हैंड फ्री इसकी बड़ी आउटस्टैंडिंग है यार, बहुत ज़बरदस्त साउंड है इसका, मैंने चेक किया है इसको। और उसके अलावा ये वारंटी कार्ड होता है, इसमें दो वारंटी कार्ड होते हैं, ठीक है। इसका 5.5 डिस्प्ले है जी, प्रोसेसर 1.5, क्वाड कोर है, बैक कैमरा 13 है, फ्रंट कैमरा 8 है, रैम 2 GB है और इंटरनल मेमोरी 16 GB है। बैटरी इसकी ज़बरदस्त है, 3060 mAh की है। बैटरी टाइमिंग बहुत अच्छी होती है भाई इन्फिनिक्स की, इसका मुकाबला नहीं कर सकता बैटरी टाइमिंग है, जितनी लिखी है उतनी ही होगी, ठीक है जी। तो इसके फ्रंट में ड्यूल फ्लैश है जी, अच्छी, यानी कि अगर आप फ्लैश ऑन करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त। अभी इसकी बैटरी लो थी, मैं आपको नहीं चेक करवा सकता, बस इसकी सेटिंग में कर देता हूँ। आज बहुत से मोबाइल जो उनसे इंक्रीज़ हो गया, मेरी दोस्तों से यही होगी इल्तिजा या रिक्वेस्ट कि जिन्होंने मोबाइल लेना है भाई आज के दिन या कल के दिन ले लो जल्दी जल्दी। सारी कंपनियाँ अपने अपने मोबाइल इंक्रीज़ कर रही हैं, इन्फिनिक्स भी हो सकता है कर दे, लेकिन अभी इन्फिनिक्स वालों ने नहीं किए प्राइस इंक्रीज़, ठीक है जी। तो ये नोट कर लें जी, मेरी सलाह है आपको जितना जल्दी हो सके जो भी मोबाइल पसंद है ले लो जल्दी जल्दी, क्योंकि डॉलर इंक्रीज़ हो गया है, 128 रुपये हो गया इसकी वजह से ना, हर कंपनी ने अपने रेट्स इंक्रीज़ कर दिए हैं। तो ये रहा जी इसका नोटिफिकेशन पैनल, तो ये तमाम चीज़ें इसमें से मैं कर देता हूँ ऑफ और लाइट कर देता हूँ फुल। तो सबसे पहले मैं कैमरे चेक करवा देता हूँ आपको। ये रहा इसका बैक का कैमरा है, 13 MP है जी, लाइट गई हुई थी तो इसलिए ये बंदे ऐसे नज़र आ रहे होंगे आपको, ठीक है जी। तो ये है फ्रंट कैमरा, फ्रंट कैमरा इसका बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप देख ही रहे होंगे। और जिन्होंने लिया वो कैमरे की वजह से कह रहे थे कि हमने कैमरे की वजह से लेना, अच्छा लाइट कम थी इस वजह से ना फ्रंट फ्लैश लाइट ओपन नहीं कर सका मैं, ठीक है जी। तो अभी कर लेते हैं इसको बैक और कर लेते हैं इसके बकाया चीज़ें, सेटिंग में जाकर चेक कर लेता हूँ जी। ये सेटिंग आपको चेक करवा देता हूँ, इसमें क्या क्या ख़ास बात है और क्या क्या नहीं है। तो ये तमाम बायोडाटा आपकी आंखों के सामने आप खुद ही चेक कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया वही वाला सारा कुछ है। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा बताऊँगा वो ये चीज़ें हैं जी, इसमें फेस अनलॉक भी आई थिंक सो, फिंगरप्रिंट नहीं होता भाई जान इसमें, जो मैं आपको चेक करा सकता। उसके अलावा जी रैम जितनी फ्री है और मेमोरी जितनी फ्री है वो आप देख रही होंगे। और क्या चीज़ रहेगी जी, क्या चेक करवाऊँ, अच्छा जी इसकी मैं बॉडी शेप चेक करवा देता हूँ आपको। ये चेक कीजिए इसकी बॉडी, स्लिमेस्ट मोबाइल है जी और आवाज़ भी बड़ी अच्छी है इसकी, साउंड क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त होती है। ये बैक पे स्पीकर लगा हुआ और ये रहा इसका फ्लैश विद कैमरा, कैमरा भी बहुत अच्छा है इसका। और मुझे आफ्टर ऑल मोबाइल अच्छा लगा है, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। उसके अलावा जी इसकी कौन सी चीज़ रहेगी, अच्छा मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें, अगर लाइक कर देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी, बस ये कह सकते हैं आपको। उसके अलावा जी इसकी क्या चीज़ रहेगी मैं सोच लूँ, अच्छा ये इसके मैं अंदरूनी हालात भी बता देता हूँ आपको। इसमें दो सिमें पड़ेंगी नैनो वाली और एक निक्का नन्ना मुन्ना सा कार्ड भी पड़ेगा इसमें, ठीक है जी। तो ये दोनों चीज़ें इसमें पड़ जाती हैं और बाकी रह गया जी, मुझे दुआ में जरूर याद रखिए आपके दोस्त नासिर।